श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तूने जब एक शमी का पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है तो उसका बल इतना है कि 14 करोड़ सोने की मुद्रा तो इंद्र को देना ही पड़ती है। एक पुष्प यदि देवाधिदेव महादेव को शमी का भूल से भी चढ़ जाता है तो उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, उसका जो एक आशीर्वाद है वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। तो चिंता मत कर। भगवान इंद्र ने उसी समय कुबेर को बुलाया, शमी के वृक्ष पर उसको बिठाया और बिठाकर शमी के बाप से निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना। प्रयास करिए, कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प, तो ये शमी का पुष्प भूल से अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता लगभग शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापिस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता। एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प हमारे जीवन में फल की अनुभूति करा देता। जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का, बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। This video is powered by Shri Shivaya Namastubhyam. सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, तब शमी की पत्ती को माँ जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वो माँ जगत जननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत कष्टमय, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर एक बेलपत्र, जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अभीर सब हो जाए, उसके बाद की बात ही है, उसके बाद की। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक पर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर नहीं, एक एक कर बाबा से विनती करते हुए, कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा। बस शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या
किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते, 84 लाख योनियों में से योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त होती है। एक शमी पत्र की इतनी मात्र रखना। जब तुम्हें लगे कि हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जब तुम्हें लगे हमारे घर के बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, मदिरापान में जा रहे हैं या गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं, तब प्रयास करना कि एक लोटा जल जब आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाकर आओ, तो उस जल में से जब शिवजी को जल चढ़ाओ और उसमें जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल जब आप झेल कर लेकर आओ, तो प्रयास करना वो जल, जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, जो व्यसन की ओर जा रहा है, जो गलत मार्ग की ओर जा रहा है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उस व्यक्ति को जरूर पिलाने का प्रयास करना, तो वो मार्ग वापिस गलत छोड़कर अच्छे मार्ग की ओर आ जाए। This video is powered by श्री शिवाय नमस्तु। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र नैवेद्य, शिवजी पे चढ़ा हुआ मात्र कोई पदार्थ, कोई भी नैवेद्य, कोई सामग्री, कोई प्रसाद अगर शिव को समर्पित हुआ है और शंकर भगवान को समर्पित हुआ और वो सामग्री अगर आपने शंकर भगवान से औषधि के रूप में मांगी है, तो शिव ने उसको औषधि कर प्रदान करा है, शिव ने उसको औषधि के रूप में। मैंने शिव महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा पिछले लाताओं की कथा निकाली और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुना, उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए, पर श्रावण के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित कर। उसका कारण क्या है? तो शंकर भगवान को श्रावण के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ गुना करके हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है, इसलिए श्रावण महीने में बाबा से विनय निवेदन उसके चरणों का स्मरण। खाली न जाता कोई खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बारे पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बारे पसारे अपने।